Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, now we are back with the 10th chapter और important question answer हम इस video के अंदर देखेंगे. Chapter का नाम है Displacing Indigenous People. अगर आपने इस chapter से related video देखी है तो बहुत बहुत thank you. अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके watch करिए. इस chapter से related MCQ video भी हमने upload कर दी है. अब हम important question जो है जो इस paper के अंदर आ सकते हैं इस chapter से खासकर वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो मेरा नाम विजय है, आपका ई पाठशाला के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस की सीरीज को. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है, डिस्कस द फीचर ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका. यानी कि इंडिजिनस पीपल जो लोग अमेरिका के खुद मूल बाशिंदे थे उनकी लाइफस्टाइल किस तरीके की होती थी. पूरे चैप्टर के अंदर कंपैरिजन बताया गया है नेटिव पीपल जो नॉर्थ अमेरिका के खुद के मूल बाशिंदे थे और यूरोपियंस लोग जो नॉर्थ अमेरिका में आके बस गए थे उन्हें हमने सेटलर्स बोला था. तो कितने बच्चों ने हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी है तो भाई कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपने हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी है. नहीं देखी है तो जाके वॉच करिए ताकि आपको समझ में आ सके कि नेटिव पीपल में और सेटलर्स पीपल में क्या डिफरेंट होता है. तो अब हम नेटिव पीपल की लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करेंगे. तो देखिए लाइफस्टाइल उनका बहुत मतलब नॉर्मल सा था. अगर हम उनकी लिविंग स्टाइल देखें तो वो ज़्यादातर ऐसे इलाकों में रहते थे जो रिवर वैली के पास थी या बैंक ऑफ रिवर के पास थी. कहने का मतलब उस समय उत्तरी अमेरिका के लोग नदियों की घाटियों के आसपास उनके गाँव के किनारे जो थे मतलब नदी घाटी के गाँव के किनारे जो होते थे वहाँ पर लोग बसा करते थे. अगर उनकी डाइट की या उनके आहार की बात कर ले तो ज्यादातर मांस मछलियां और फसल के तौर पे मक्का उगाया करते थे और वही वो खाते थे. उनकी इकोनॉमिक की बात कर ले तो उन्होंने हमेशा निर्वाह अर्थव्यवस्था की बात करी है, जैसे आप सब्सटेंस एग्रीकल्चर या सब्सटेंस इकोनॉमिक बोलते हैं. कहने का मतलब ये कि प्रकृति से जितना मिलता है उतना ही इस्तेमाल करें, बाकी सारी चीज़ें आने वाले फ्यूचर में लोगों के लिए छोड़ दें. अगर उनके क्लोथ्स की बात कर ले यानी कि उनके कपड़ों की बात कर ले तो वो अच्छे स्किल्ड क्राफ्ट मैन हुआ करते थे और उनको बुनाई जो थी जिसे आप कला बोलते हैं आर्ट ऑफ वीविंग दैट मीन्स बुनाई की कला, उसमें वो काफ़ी अच्छी तरीके से माहिर थे. भाषा की बात करें तो उनके भाषा में वो कई प्रकार की भाषा बोलते थे. ऐसा कहा जाता था कि इनकी अपनी खुद की मूल भाषा नहीं होती थी लेकिन ज़्यादातर कई कई इलाकों में अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हुए इन्हें देखा गया है. नेटिव पीपल वो लोग थे जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर खुद के मूल बाशिंदे थे जो आज से 30,000 साल पहले वहाँ पर आके बसे होंगे जब अर्ली ह्यूमन जो था पैदा हुआ होगा और उसने फिर सेटलमेंट करा होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके. तो ये लोग भी नॉर्थ अमेरिका में कहीं और से आए थे लेकिन वहाँ के मूल बाशिंदे ये माने जाते हैं. तो 5 मार्क्स के हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. देखिए पूरे चैप्टर के अंदर आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से नेटिव पीपल को उनकी ज़मीनों से खुद निकाल दिया गया था. तो इसीलिए आपको गोल्ड रश के बारे में बताना है और आपको इंडिजिनस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यूरोपियंस लोग गए थे और नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी यूरोपियंस लोग गए थे. तो आपको द गोल्ड रश बताना है कि गोल्ड रश क्या था या गोल्ड रश के परिणाम क्या हुए और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनकी लाइफस्टाइल किस हिसाब से हुआ करती होगी या आप उनके बारे में क्या जानते हैं. तो गोल्ड रश बहुत सिंपल सा है. 1840 में नॉर्थ अमेरिका के अंदर यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उधर एक कैलिफोर्निया एक स्टेट है जहाँ पे सोने के निशान मिले थे. ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे सोना बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया था कैलिफोर्निया के अंदर. इसी वजह से अमेरिका ने इस गोल्ड रश की होड़ में पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर रेलवे लाइन बिछा दी. तो इस तरीके से गोल्ड रश हुआ और अमेरिका ने ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड निकालने की कोशिश करी. अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में. तो ऐसा कहा जाता है कि 18th सेंचुरी के अंत तक आते आते ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 350 से 750 टाइप के मूल निवासी लोग रहते थे और ये लोग ज़्यादातर अपनी खुद की अधिकांश भाषा बोलते थे. ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ इलाके में रहा करते थे. ये ऑस्ट्रेलिया के मेन इंडिजिनस पीपल हैं जो खुद ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया के बाहर से ये लोग आए थे और वहाँ आके बसे थे. तो दिस इज़ अबाउट द गोल्ड रश एंड द नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया.
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर नेटिव पीपल रहते थे उसका फिजियोग्राफिक फीचर्स कैसा था, जैसे आप भौतिक विशेषता बोलते हैं, यानी कि महाद्वीप, यानी कि पूरा नॉर्थ अमेरिका जो था किस टाइप का था, वहाँ की एग्रीकल्चर कैसी थी, वहाँ पे लैंड सरफेस कैसा था, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा था, मतलब वो फीचर्स पूछा गया है। तो नॉर्मल सा है, अब हम उनकी भौतिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि दिस कॉन्टिनेंट एक्सटेंट फ्रॉम अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट था आर्कटिक सर्कल से लेके कर्क रेखा तक और प्रशांत से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। यहाँ पे बहुत बड़े रॉकी माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं, ईस्ट में हमें ग्रेट प्लान्स देखने को मिलते हैं, मिसिसिपी वैली देखने को मिलती है और अप्लाचिन माउंटेन जो है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब बात करें महान लेक की, तो वहाँ पे बहुत सारे महान लेक थे, ओलिया की वैलीज थी, ग्रेट प्लान्स थे, ईट साइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी मैदान हमें देखने को मिलते हैं। मेक्सिको इनके साउथ के साइड में स्थित था, तो और नॉर्थ में अगर देखेंगे आप तो कनाडा स्थित है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा उनका फिजिकल फीचर्स मैं बोल सकता हूँ वो हमें देखने को मिलता है। और ये हमने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एमसी की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, यहाँ पे आपको बताना है व्हाई डिड यूरोपियंस कम एंड सेटल इन अमेरिका ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, यानी कि यूरोपियंस लोग जो बाहर के मूल बाशिंदे जिन्हें आप सेटलर्स बोल सकते हैं वो नॉर्थ अमेरिका में 19वीं शताब्दी में आके बसना क्यों चाहते थे। तो बहुत सिंपल सा कारण है, यूरोपियंस लोग अमेरिका में इसलिए बसना चाहते थे क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से संपत्ति खरीदने के लिए अमेरिका में बसना चाहते थे। जर्मन, इटली, स्वीडन, ये सारे के सारे लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पैश्चल्स यानी कि जो अपने पशुओं को चारा खा की तलाश में इस प्लेस पे जर्मनी, इटली और स्वीडन के लोग आए थे। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि पोलैंड के लोग भी पलायन करके यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे इन सभी लोगों ने नॉर्थ अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। वो ये देखा कि यहाँ के मूल बाशिंदे जो होते हैं मेन नेटिव पीपल वो यहाँ की ज़मीनों का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ये सभी अलग अलग कंट्री के लोग, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, इन सभी लोगों ने 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में अमेरिका के जैसे कॉन्टिनेंट पे आना और बसना चालू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर लेते हैं, व्हाट इज इंपीरियलिज्म, यानी कि जैसे आप साम्राज्यवाद बोलते हैं इसका मतलब क्या है, और ऐसी कंट्रियों के नाम बताने हैं जिन्होंने इंपीरियलिज्म दैट मीन्स उनको बढ़ावा देने की कोशिश करी है। तो देखिए इंपीरियलिज्म का मतलब यानी कि समाजवाद का सिंपल सा मतलब ये होता है, व्हेन अ कंट्री एस्टैब्लिश इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री, यानी कि जब कोई कंट्री जैसे ए कंट्री है वो बी कंट्री के अंदर पूरी तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल कर लेती है और वो कंट्री इसी की हो जाती है, तो ऐसी जगह को हम इंपीरियलिज्म बोलते हैं, ऐसी जगह को हम साम्राज्यवाद बोलते हैं। क्यों? जैसे हमारे भारत के अंदर ब्रिटेन के लोगों ने किया था, ब्रिटेन के लोग बाहर से आए थे और भारत के अंदर बस गए थे, तो उसे भी तो साम्राज्यवाद की नीति ही कहा जाता है क्योंकि उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल पूरा हो चुका था। अब साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित इंक्रेज करने वाली कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं? ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, इटली, है ना, जर्मनी, ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो एक और कॉन्टिनेंट था और वहाँ पे भी मूल निवासी रहते थे, तो वहाँ पे आर्थिक विकास हुआ कैसे, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर? तो बहुत सिंपल सा है, जब यूरोपियंस लोगों ने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करी ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो उसके बाद ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को हमें मिला था बहुत तेज़ी से। हुआ ये कि यूरोपियंस लोगों ने लार्ज नंबर पर भेड़ बकरियों को पालने के लिए फार्म्स बनाए, उन लोगों ने फॉरेस्ट जैसी जगहों को खाली करके एग्रीकल्चर के लिए ज़मीनें बनाई, उन लोगों ने
गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ाया और उन्होंने वाइन इंडस्ट्री को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाना चालू कर दिया। उन लोगों ने बड़े बड़े अंगूर के बाग लगवाने की स्थापना करी, इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू स्टार्ट हुआ। उन्होंने माइनिंग इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगे, जिससे ऑस्ट्रेलिया के अंदर समृद्धि आ जाएगी बहुत बड़ी मात्रा में। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के अमेरिका के बहुत तगड़े कारण हो सकते हैं। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपको ये बताना है, डिस्कस द मेथड अडॉप्ट बाय द यूरोपियंस टू डिस्प्लेस नेटिव्स। देखिए, यूरोपियंस लोग आए बाहर से थे और नेटिव्स पीपल को उन्हीं की ज़मीन से निकाल फेंका, तो अगर उन्होंने डिस्प्लेस करवाया नेटिव पीपल को, तो उन्होंने ऐसा कौन सा मेथड अपनाया जिससे उन्होंने डिस्प्लेस करवाया। तो बहुत सारे तरीके थे, जिनमें से कुछ तरीके हैं, दे यूज टू इंस्पायर नेटिव पीपल टू अबेंडन दोज रीजन। उन्होंने ये बोला कि मूल निवासियों को उनके अपने खुद के क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्रों को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो उनके क्षेत्रों को छोड़ देना चाहते हैं तो अच्छा है, नहीं तो वो सेटलर्स जो बाहर से आके बसे थे वो खुद के नेटिव पीपल को धमकियाँ देने लग गए। उन्होंने धोखेबाजी तरीके से ज़मीन के कागज़ों पर साइन करवा लिया और उनको खुद को बाहर निकाल दिया। उन लोगों को यही कहा कि तुम्हारा अपना कोई धर्म नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई भाषा नहीं है, तो इसीलिए तुम इस ज़मीन के हकदार नहीं हो। तो कहने का मतलब, आज जहाँ पे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से आता है, असल में वो कंट्री उनकी खुद की भी नहीं थी, वो वहाँ के मेन नेटिव पीपल की थी, लेकिन धोखेबाजी से इन लोगों ने वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के नेटिव पीपल को निकाल फेंका। और ऐसे बहुत सारे कारण मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपको ये बताना है, डिस्क्राइब द रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन द नॉर्थ अमेरिका। देखिए, डेवलपमेंट तो हुआ अमेरिका के अंदर, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रीज़ की अगर ग्रोथ हुई तो उसका कारण क्या था? मेन था रेलवे का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यानी कि आविष्कार किए गए, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट हुए शहरों के अंदर, फैक्ट्रियां बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई और लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग गया। इसी वजह से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नॉर्थ अमेरिका में 19 सेंचुरी के बाद देखा गया, जिस समय पे यूरोपियंस लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में आके बसना चालू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, व्हाट वर द व्यू ऑफ नेटिव्स रिगार्डिंग ट्रेड एंड यूरोपियंस। अब नेटिव्स लोग यानी कि नॉर्थ अमेरिका के मूल बाशिंदे, उनकी क्या राय थी व्यापार के लिए और यूरोपियंस लोगों के लिए? तो नॉर्मल से उनकी राय थी, उन्होंने यही कहा कि जो नेटिव्स लोग थे उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं यूरोपियंस से। द नेटिव्स कंसिडर टू एक्सचेंज गिफ्ट बिटवीन द फ्रेंड्स एंड सोशल बिहेवियर। ज़्यादातर जब ये लोग यूरोपियन से व्यापार करते थे तो नेटिव्स लोग उसको एज अ तोहफे के रूप में चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, जबकि यूरोपियन ट्रेडर्स होते ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो उनसे फ़िश और फर खरीदे, और ये बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद था यूरोपियंस लोगों ने, है ना। यहाँ पे यूरोपियंस लोग काफ़ी लंबे समय तक जब क्या कहते हैं नेटिव्स लोगों से व्यापार कर रहे थे, वो बहुत ही अनजान बने रहे काफ़ी लंबे समय तक, है ना। तो इन हिज फॉक लोग ही पोर्ट्रेड यूरोपियंस मर्चेंट एज ग्रीडी एंड फुलिश मैन। बहुत से ऐसे जगहों पे ये चित्रित करा गया था कि यूरोपियन व्यापारी बहुत लालची है और वो नेटिव्स लोगों को बहुत ज़्यादा मूर्ख समझते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आ सकता है, तो आप इन्हें ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ नेटिव अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सॉरी, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के शुरुआती समय में जो मूल निवासी वहाँ पे रहते थे, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? तो भाई नॉर्मल्स है, ऐसा बहुत से लोगों का अनुमान है कि बेरिंग स्ट्रेन एक जगह है, मैंने अपने वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है, वो वहाँ से क्रॉस करके नॉर्थ अमेरिका की जगह पर लगभग 30,000 साल पहले बस गए थे, क्योंकि वो साउथ वर्ल्ड की तरफ 10,000 साल पहले रुके थे।
आइस एज जब ख़त्म हो गया था तो लगभग 5000 साल पहले पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चालू हुई थी, क्योंकि क्लाइमेट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आनी चालू हो गई थी। वो लोग अमेरिका के बैंक ऑफ रिवर में बसे और वहाँ पे वैली के अंदर अपने घर बनाए और वहाँ पे उन लोगों ने कॉर्न्स उगाए और अनेक प्रकार की मछलियाँ जो थी उससे उन्होंने सेवन करा और बहुत सारी वेजिटेबल ग्रोथ करी। इससे वो लोग बसे वहाँ पर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर फिर उनका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 10th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। भाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। आपको अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो गाइड और सैम्पल पेपर के लिए मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दिया है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।